इस समय मौजूद है हुगली के त्रिवेणी में। त्रिवेणी में देखिए यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया गया है और करीब 703 वर्ष पहले यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन हुआ करता था, किसी कारण से कुंभ मेला बंद है और इस बार देखिए 3 दिन के लिए कुंभ मेला का आयोजन किया गया, जिससे यहाँ पे लाखों के जिस संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से पहुंचे हैं। नागा साधु हों, साधु हों या जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल के या पश्चिम बंगाल के बाहर से, सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से दिखाएंगे कि चारों तरफ से गंगा नदी का जो है यहाँ पे बैरिकेड कर दिया गया है और यहाँ पे देखिए कि 3 नदियों का यहाँ पे समावेश है। गंगा नदी सामने देख रहे हैं और यदि हम उधर दिखाना चाहेंगे तो वहाँ पे सरस्वती नदी इसमें मिलती है और जो तीसरी है कुंती नदी का यहाँ पे देखे समावेश है। तीनों नदियों का यहाँ पे मिलन है और उसके लिए त्रिवेणी कहा जाता है और मान्यता है कि इस कुंभ मेले के दिन पे यहाँ पे जो लोग स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष को प्राप्ति होती है। सारे लोगों का बाधा है या जो भी दरिद्र है यहाँ पे दुख दरिद्र है ये गंगा नदी में स्नान करने से मिलता है। और देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु आए हम इन्हीं से जानते हैं क्या लग रहा है कि हुगली में पहली बार पश्चिम बंगाल में कुंभ मेला जिस तरह से हम प्रयागराज में देखते हैं, हरिद्वार में देखते हैं, अब बंगाल में इस तरह के हुगली में भी लगने लगा है, क्या कहें? जरूर जरूर, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है सनातनियों के लिए कि ये 703 साल बाद आज इस त्रिवेणी में फिर कुंभ मेला लगा है, जिसका हम सभी लोगों ने, सनातनियों ने हृदय से अभिनंदन किए हैं और दूर दूर से लोग, हमारे भाई बहने और सनातनी भाई इस कुंभ मेला में सभी पधार रहे हैं। और जैसा कि 12-13 आपने भी स्नान किया, कैसा क्या महसूस किए? हमने स्नान किए इस पवित्र संगम में, हमने भी स्नान किए हैं। हम कई श्रद्धालुओं के साथ आए हैं यहाँ पर, हमारे साथ कम से कम 20 लोग आए हैं, सभी लोग स्नान किए। क्या लग रहा है जिस तरह से लोग प्रयाग जाते थे, प्रयागराज जाना होता था, कुंभ के लिए हरिद्वार जाना पड़ता था और यहाँ पे इस बार हावड़ा में, यहाँ पे कह सकते हैं कि हुगली नदी के किनारे यहाँ पे हुगली जिले में लगा हुआ है, क्या कहेंगे गंगा नदी? इसके लिए हम लोग धन्यवाद मनाएंगे पूजा कमेटी को जो कि कुंभ का मेला 703 साल बाद लगाया है और हम लोग भी पश्चिम बंगाल के निवासी सौभाग्यशाली है कि घर के पास ही में हम लोग कुंभ का मेला मिला है। जो 3 नदी बहती है उसमें हम लोग आए, स्नान किए और 5,000 यहाँ पे सुने नागा साधु भी आए, हम लोग जाएंगे दर्शन करेंगे। देखे कि हर कोई यहाँ पे स्नान कर रहा है और गंगा में जल अर्पित कर रहा है, तो कह सकते हैं कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और कुंभ मेले का यहाँ पे कह सकते हैं गंगा में स्नान कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि जो प्रयागराज में जाना होता था, हरिद्वार जाना होता था, अब यहाँ पे त्रिवेणी नदी पहुँचे हैं, गंगा में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, News24 हुगली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।